दोस्तों, आज दुनिया भर में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बीमारियां आज चल रही है उनको देखते हुए अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खों का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कारगर भी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उन घरेलू नुस्खों को सेवन करते हुए भी साथ में कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं जिनसे जाने अनजाने आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है और साथ ही साथ कई तरह की और भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है, जिन्हें आपको आज ही छोड़ देना चाहिए। वेगो, वेगो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल जाए सबसे पहले। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो आप लोग कर ही देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपके शरीर की किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम न केवल आपके मतलब बीमारियों से लड़ता है, यहाँ तक कि बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर की सेल्स को भी डेवलप करता है, सेल्स को भी मॉडिफाइड कर देता है। तो दोस्तों, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में कई ऐसी बीमारियाँ चल रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिनसे लड़ने के लिए हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जाने अनजाने हम कई ऐसी चीज़ों का भी सेवन कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनसे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और जिन्हें हमें आज ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है शराब और धूम्रपान, यानी कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। वैसे तो हर तरह का नशा हमारे शरीर के लिए घातक होता है, हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर असर करता है, इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है और साथ ही साथ हमें कई तरह की और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज ही शराब और धूम्रपान का सेवन बंद कर दें। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप सोने से पहले कैफीन युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय या कॉफ़ी, कई लोगों की आदत होती है सोने से पहले कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन करने की, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कैफीन सीधा सीधा हमारी नींद पर असर डालती है और ख़राब नींद भी हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों, वैसे तो कैफीन युक्त चीज़ों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते भी हैं तो ख़ास तौर पर सोने से पहले हमें किसी भी तरह की कैफीन युक्त चीज़ जैसे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड की। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड भी हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी का कारण बन सकता है क्योंकि दोस्तों प्रोसेस्ड फूड के अंदर काफ़ी मात्रा में चीनी, रिफाइंड कार्ब्स और इसके साथ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि सीधा सीधा हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड का भी जहाँ तक हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे खाने वाली चीज़ें जिनको पहले बना करके काफ़ी समय तक सुरक्षित रख दिया जाता है और कई दिनों बाद उसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस्ड फूड को सुरक्षित रखने के लिए इनके अंदर जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उनमें कई तरह का केमिकल्स का यूज होता है। इसलिए दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड भी जहाँ तक हो सके हमें कम कर देना चाहिए क्योंकि इस वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। तो दोस्तों, आज ही हमें प्रोसेस्ड फूड भी छोड़ देना चाहिए। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं रिफाइंड फूड की। हाँ दोस्तों, रिफाइंड फूड भी हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी का कारण बन सकता है। वैसे तो दोस्तों, ज़्यादा रिफाइंड फूड्स हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये रिफाइंड फूड्स हमारे पेट में मिसबैलेंसिंग कर देते हैं जो कि हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी का कारण हो सकता है। मैदा, सफ़ेद ब्रेड, चीनी, इस तरह की रिफाइंड फूड्स का दोस्तों जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। और 5वें नंबर पर हम बात करते हैं फास्ट फूड की। जी हाँ दोस्तों, फास्ट फूड खाना किसको पसंद नहीं होता है। आज हर एक लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी का कारण बन सकता है। दोस्तों, फास्ट फूड में हाई लेवल पर कैलोरी, फैट और सोडियम होता है और इनमें किसी भी तरह का मिनरल और विटामिन नहीं होता है। इनकी बजाय तो हमें हरी सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, फास्ट फूड भी हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी का कारण बन सकता है, इसलिए जितना हो सके हमें फास्ट फूड न के बराबर खाना चाहिए।
तो दोस्तों यही थी वो पांच चीज़ें जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों कमज़ोर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ साथ हेल्दी डाइट भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आज से ही बंद कर दें या फिर न के बराबर कर दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा। कमेंट आप लोग कर ही देते हैं, शेयर आप लोग कर ही देते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।